चलो द फर्स्ट क्वेश्चन. फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बी हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, सी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, डी लोएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. बोलो. We have the option A, highest electron affinity, B, highest reduction potential, C, highest oxidation potential, D, lowest क्यों? नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता आप बताओ क्या हो सकता है. लोएस्ट का होती है. वो कह रहे हैं कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. बेस्ट मतलब इसको ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है. ऑक्सीडाइज का मतलब है दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है. इलेक्ट्रॉन दूसरे को, फ्लोरीन दूसरे को इलेक्ट्रॉन देती है, खुद रिड्यूस होती है. समझ आ गई बेटे. ये है कि देखो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ये फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. पहले डिसोसिएशन एनर्जी पे, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पे, थर्ड हाइड्रेशन इंथैल्पी पे. ठीक है. फ्लोरीन पहले एफ टू से एफ बनती है, दो एफ, फिर उसके बाद F इलेक्ट्रॉन गेन करता है और F नेगेटिव बनता है और उसके बाद ये हाइड्रेट होता है. समझ आ रही है. ये जो इलेक्ट्रॉन डिसोसिएशन एनर्जी है वो आपको कम रिक्वायर्ड है क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है. दो फ्लोरीन फ्लोरीन एटम्स में इतनी ज्यादा रिपल्शन है कि अपने आप ही टूट जाते हैं. पहले ये क्वेश्चन आता था, अब तो एमसीक्यू हो गया. पहले ये क्वेश्चन आता था कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है ना. एक्सेप्शन आप करते हो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है, पर फिर भी फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है. क्योंकि क्योंकि आप बोलोगे क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और रिडक्शन पोटेंशियल इन टर्म्स डिपेंड ऑन दीज थ्री फैक्टर्स. अब इन तीनों फैक्टर्स में से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है. देखो पहले बॉन्ड टूटेगा तभी लेगा, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत कम है क्योंकि दो फ्लोरीन एटम्स बहुत जल्दी बन जाते हैं. ठीक है. उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी चाहे कम है फ्लोरीन की, मगर फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा रिलीज होती है. समझ आ रही है. तो देखो ये कम रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड वाली है, और ये ज्यादा रिलीज्ड. तो ई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. चाहे ये क्लोरीन से कम है, ये वाला फैक्टर सिर्फ क्लोरीन से कम है, अदरवाइज एनर्जी रिक्वायर्ड एंड एनर्जी रिलीज वाला क्लोरीन से ज्यादा है. समझ रहे हो. नेक्स्ट रिडक्शन मतलब खुद रिड्यूस हो सकता है तो गेन करता है.
गेन करेगा जो पोटेंशियल क्या है, व्हाट डू यू मीन पोटेंशियल, कहते ना हमारे में इतनी पोटेंशियल है, हमारे में काम करने की इतनी पोटेंशियल है, तो हमें हमारे में रिड्यूस होने की कितनी पोटेंशियल है। प्रोड्यूस कब होता है कोई, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, समझ गए, तो इसकी रिड्यूस होने की पोटेंशियल ज्यादा है। तो रिड्यूस, जब रिड्यूस कैसे होगी, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो दूसरे को क्या करेगी, ये ऑक्सीडाइज, समझ आ गई। अब एमसीक्यू और करने के सेशन रीजन करें, कुछ भी चलेगा। चलो एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एमसीक्यू करते हैं। राइट डाउन, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, चार्स, चारिंग होती है ना शुगर की चारिंग, ये कह रहे हैं चार्स, पेपर, वुड, शुगर बाय रिमूविंग। फर्स्ट, अब ये फर्स्ट क्या है आपको बताना है, ठीक। उसके बाद फ्रॉम देम, देन इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड। अब ये जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको ये भी कहा जाता है, जो भी है सेकेंड। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्ड प्रोसेस। इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्थ एंड फिफ्थ एसिड, जैसे कि आपको गिवन है ए, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑक्सीजन हो सकती है, सेकेंड ऑयल ऑफ विड्रॉल हो सकता है, थर्ड ऑलियम हो सकता है, फोर्थ डिहाइड्रेटिंग हो सकता है, फिफ्थ आपका क्वेश्चन शुरू है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, चार्ज, पेपर, वुड एंड शुगर बाय रिमूविंग। क्या रिमूव करता है, क्या ऑक्सीजन रिमूव करता है, सेकेंड ऑप्शन लिखो, बी वाटर, ऑयल ऑफ विट्रोल, कॉन्टैक्ट, ऑक्सीडाइजिंग, डाइवेसिव। सी ऑप्शन वाटर,
ऑयल ऑफ ओले सॉल्वे डिहाइड्रेटिंग एंड डाइवेसिंग डी ऑप्शन अगेन वाटर ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कॉन्टैक्ट ऑक्सीडाइजिंग डाई बेसिक ध्यान से क्वेश्चन देखो दोबारा फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चार्ज पेपर वुड एंड शुगर बाय रिमूविंग फर्स्ट कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड को पेपर वुड या किसी चीज पे डालते हो उसको चार कर देती है तो क्या रिमूव करती है? ऑक्सीजन रिमूव करती है, वाटर रिमूव करती है, क्या रिमूव करती है सोचो। सुखा देती है, वाटर रिमूव करती है। तो हमारी बी ऑप्शन तो बिल्कुल, ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती आप, इसको तो हमने निग्लेक्ट ही कर दिया। इसमें इन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। अब बाकी ऑप्शन में सब में ही वाटर है तो इनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे क्या कहा जाता है? देखो ना, ऑयल ऑफ ओले कहा जाता है, ना ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है। तो दोनों में ऑयल ऑफ विट्रोल, दोनों किसमें? इन दोनों में। तो इसको तो हम निग्लेक्ट ही कर चुके हैं पहले ही। तुम्हारा बी ही रह गया। अब देखो बी ठीक बैठ रहा है, मतलब हमारा होना चाहिए कि हम वाटर रिमूव करते हैं और उसको ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कौन से प्रोसेस, मतलब कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड किससे प्रिपेयर होता है? एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डाई बेसिक। डाई बेसिक का मतलब दो हाइड्रोजन। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा होता है। ये भी एच निकल जाता है, ये भी डाई बेसिक मतलब दो एच पॉजिटिव निकालते, क्योंकि इसको ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, विंटर की तो कहते ही नहीं है, ऑलियम को कहते हैं। देखते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन में मीथेनॉल आ जाता है थोड़ा सा। ऑयल ऑफ विंटर के ये मूव वगैरह में यूज होता है, जिसमें ठंडक होती है ना, ये जब आप फिनॉल से प्रिपेयर करते हो तब बनता है। देखते हैं, ऑक्सीडाइज करता है। आप जितने भी एजेंट डालते हो, जैसे कि MnO4 सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, वहां पे ऑक्सीडाइज करते ही है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग की प्रॉपर्टी भी है।
दिया नहीं हो। चलो असर्शन रीजन करो बेटे। राइट डाउन द फर्स्ट असर्शन। द कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, द कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 इज 5। बोलो सेशन सही है। ये देखो ये फॉर्मूला है ऑयल ऑफ इंटरव्यूइंग का। जब फिनॉल की प्रिपरेशन करते हैं ना बेटे, उसके बाद आगे बनता है उससे फिनॉल से। ठीक है। हाँ जी, द कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज N2O5। क्या ये सही है? क्यों क्यों नहीं है? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों 3 होनी चाहिए? 4 तो हो जाती है इसकी। अमोनियम में 4 है, NH4 पॉजिटिव। बेटे नाइट्रोजन के बाद डी ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का होता है बेटे 2s2 2p3। इसके पास 2d है ही नहीं, इसके पास 3s शुरू हो जाता, तो ये मैक्सिमम कोवलेंसी 4 की शो कर सकती है। ये बहुत कंफ्यूजिंग पेपर में पहले आता था कि व्हाट इज द कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5, और जनरली बच्चे लिख के आते थे मजे से 5। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर 5 है, पर कोवलेंसी 5 नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन की कोवलेंसी 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि एट ए टाइम ये 4 बॉन्ड्स बना सकती है। N2O5, हाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर है +5, पर कोवलेंसी 4 ही है। अब रीजन दे रहे हैं, नाइट्रोजन कैन एक्सपेंड इट्स कोवलेंसी बियॉन्ड 4। दोनों ही रॉन्ग है, 4 से ज्यादा होनी नहीं है, कसम खाई है नाइट्रोजन। देन assertion, catenation tendency is weaker in nitrogen. हाँ जी ट्रू है, नाइट्रोजन सिर्फ N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ना हमने कभी N3 सुना है, ना हमने 4 ना 5। कैटिनेशन है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, तो वो कार्बन में है, सल्फर में है, या फॉस्फोरस भी P4 है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन O2 से H8 है, ऑक्सीजन O2 है और सल्फर H8 है, इन द सेम नाइट्रोजन N2 है और फॉस्फोरस P4 है। मतलब डाउन द ग्रुप आते आते कार्डिनेशन की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है इन ग्रुप्स में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन ग्रुप्स में साइज बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होती जाती है, तो कार्डिनेशन की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। ना नाइट्रोजन के पास है ना ऑक्सीजन के पास है,
हाँ, बस O3 की फॉर्म एग्जिस्ट करती है ओजोन की। रीजन ये बोल रहे हैं, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटॉमिक गैस। रीजन एज ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, असर्शन एज ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट इट इज नॉट द रीजन ऑफ द अबव मेंशन असर्शन। तो इसकी रीजन ये है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है, तो देयर इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो अगर साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, तो एट ए टाइम सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकती। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड बनाती है, ये देखो नाइट्रोजन एक छोटू सा और दूसरा छोटू सा अगर सिंगल बॉन्ड बनाए, तो इनके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो बॉन्ड टूट जाना है। समझ आ रही है? नेक्स्ट चीज बेटे, अमोनिया एक्ट एज अ लिगेंड। ये हम कोऑर्डिनेशन में करते हैं, शायद ना ही रहे, पर नहीं, इसमें भी एक रिएक्शन है, अमोनिया एक्ट एज ए लिगेंड की रिएक्शन है इसमें। जब आप कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, इवन पी ब्लॉक में भी रिएक्शन है। लिगेंड्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं। जैसे सेंट्रल में डी, हाँ, और आसपास क्या होते हैं? लिगेंड्स लगे होते हैं। तो अमोनिया के पास लोन पेयर है, ठीक है, इसके कारण ये लिगेंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल सही, ठीक। रीजन दे रहे हैं हमें, अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन कैन बी डोनेटेड टू एक्सेप्टर। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी डोनेटेड टू एक्सेप्टर। बिल्कुल सही है। लोन पेयर किसके ऊपर है? इसके ऊपर। कैन बी डोनेटेड टू एक्सेप्टर, बिल्कुल सही है, तभी तो ये लिगेंड है। बेटे कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ोगे आप, व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लास 10th में किया हुए है, जिसमें एक एटम देता है और दूसरा लेता है, ऐसा करते थे आप। एक देता है, मगर है ये कोवलेंट का ही भाई, मगर अब जो शेयरिंग में दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, वो एक ही दे रहा है, वो दोनों नहीं दे रहे। समझ आ रही है? कोऑर्डिनेट यू हैव डन ऑलरेडी बेटे। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं मेटल, हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स करेंगे आगे चैप्टर टर्म सेकंड। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो उसमें ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, बशर्ते इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो। तो ये ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। जब हम टर्म सेकंड में करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, कहीं उन्होंने तो पहले भी दे रखा है। चलो आगे। नाइट्रोजन हैव हाइयर आयोनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन हैज हाइयर आयोनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन। गलत है? अच्छा, एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड, बिल्कुल रॉन्ग है ये। ये देखो ये नाइट्रोजन है और नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन क्या होगी? हाफ फिल्ड। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा हो जानी है। नेक्स्ट
तो इट इज हाइयर, बिल्कुल सही है सजेशन। रीजन देखो, रीजन दे आर गिविंग अस, नाइट्रोजन हैज स्मॉलर एटॉमिक साइज देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, इसकी वजह से हाइयर क्यों। नाइट्रोजन का छोटा क्यों है, छोटा तो ऑक्सीजन का ही है। क्या है, हाफ फील्ड है। अगर रीजन हाफ फील्ड वाला देते तो ठीक था, अब ये गलत दे रहे हैं। नाइट्रोजन छोटा नहीं है, छोटा तो ऑक्सीजन ही है। ये अलोंग द पेयर साइज डिक्रीजेस, नाइट्रोजन पर ये सारे क्वेश्चन। इन वेपर फेस सल्फर इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इन वेपर फेस द सल्फर इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा सल्फर का क्या फॉर्मूला होता है, एसिड, ऑक्टा एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मगर जब ये गैशियस फॉर्म में जाती है तो ये डाई एटॉमिक बन जाती है, तो S2 बन जाती है। अब अगर आपको O2 की MOT याद हो तो क्या O2 पैरा था कि डाया था। ये थी O2, ये O2 था। आप सिग्मा 2PZ फिल करते हो, देन पाई 2PX 2PY डाया, डाय ये कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, दो दो चार दो छह, कितने बचे हमारे पास, ऑक्सीजन में दो। तो दो आगे जो आएंगे वो ऐसे आएंगे ना अनपेयर्ड की फॉर्म, तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। अगर MOT देखो तो सिग्मा 2PZ पहले फिल होगा, फिर पाई 2PY, फिर पाई 2PX, ठीक है, फिर एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, चार इधर पी के पड़े हैं, चार इधर पी के पड़े हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दो बचे, ये अनपेयर्ड की फॉर्म में बचे, तो ये क्या हो गया, पैरा। तो सल्फर भी तो वही है, सल्फर 3P4 है, ये 2P4 था, फिलिंग तो इसकी भी वैसे ही होनी है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा कि वेपर फेस में ही S2 बन जाएगा। समझ रहे हो, रीजन ये कह रहे हैं बेटे, इन वेपर फेस सल्फर एग्जिस्ट एज S2 मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर विस्कस देन वाटर, असर्शन ट्रू है, बिल्कुल सही है। विस्कस है, गाढ़ा हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लैब में, इट इज मोर विस्कस देन वाटर। रीजन दे आर गिविंग, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हैज अ ग्रेट अफिनिटी विद वाटर, बिल्कुल सही। रीजन एज ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन क्या होनी चाहिए। असर्शन भी सही है आपकी बेटे, रीजन भी सही है। तो अगर हम कहें कि हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में बहुत ज्यादा है, बिकॉज देयर इज मोर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सल्फ्यूरिक एसिड। दो OH बॉन्ड्स हैं, अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया, दो OH बॉन्ड्स हैं, हाँ, तो वो भी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ना, टग ऑफ वॉर में बेचारा हाइड्रोजन क्या करे, और उसमें एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से खींच रही है,
वाटर में एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से खींच रही है, ये तो इंडिविजुअल ऑक्सीजन खींच रही है। समझ आ रही है? तो विन तो यही करेगी आखिर। चलो नेक्स्ट, असर्शन SF6 कांट बी हाइड्रोलाइज्ड बट SF4 कैन बी। SF6 कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, ये SF6 होती है एंड दे आर सेइंग इट कांट बी हाइड्रोलाइज्ड। एंड दे आर सेइंग अस दैट SF4 कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। बिल्कुल सही है बेटे, SF6 इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड बाय 6 फ्लोरीन। तो हाइड्रोलाइज करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आके अटैक करने चाहिए। तो वाटर मॉलिक्यूल तभी अटैक करेंगे कि जब इसके पास जगह होगी। रीजन ये दे रहे हैं कि S6 फ्लोरीन एटम्स इन SF6 प्रिवेंट द अटैक ऑफ वाटर ऑन सल्फर एटम। बिल्कुल सही दे रहे हैं, कल हम केस बेस्ड स्टडी देख लेंगे इस चैप्टर की एंड देन यू आर हैविंग टेस्ट।